ये देखिए जंगल के रास्ते से आते हुए अब हम पहुंच रहे हैं एक सीताराम आश्रम पे। अच्छा, महाराज जी का नाम सीताराम है या आश्रम है? चलो, महात्मा जी का नाम सीताराम, सीताराम दास जी के पास पहुंच रहे हैं। और आज देखिए ये भी, अरे वाह, कुटिया तो अच्छी लग रही है। ये अच्छा, ये यज्ञशाला है और संत निवास शायद इस तरफ है। हाँ, ये है। और ये पीपल का वृक्ष जो पतझड़ के कारण अपने सभी पत्तों को खो चुका है, नए पत्तों की उम्मीद में ये वृक्ष भी है। और ये प्रभु की कुटी, अरे वाह, इधर तो गौसेवा भी है। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, जय हो प्रभु की। कितना, अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर गौसेवा। नर्मदे हर प्रभु जी। वाह, यहाँ से तो माई के बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। जय हो प्रभु की। क्या अच्छा, 20 वर्ष हो गए लगभग। प्रभु आश्रम तो बहुत अच्छा है। देखिए माता रानी के दर्शन होते हैं सामने बिल्कुल जी। संगम है किस नदी का? नारदीय संगम। नारदीय नदी आई है। नारद भगवान की तपोभूमि है। अच्छा, मंदिर भी नर्मदा नारदेश्वर है। अच्छा अच्छा, नारद जी की मूर्ति। अच्छा, नारद जी की मूर्ति, तो अवश्य पहले मूर्ति के दर्शन करते हैं फिर भगवान से बात करते हैं थोड़ी। ये देखिए माई का, जय हो मैया की। आज बहुत समय बाद मैया के तट पर आया हूँ। बहुत समय, क्या सालें सी व्यतीत हो गई लग रहा है, जबकि मुझे अभी 8-10 दिन हुए जबकि काशी में था, लेकिन माँ से मिलने को बहुत मन विचलित हो रहा था। जय हो माँ, नर्मदे मई, नर्मदे हर, नर्मदे हर जी, नर्मदे हर, नर्मदे हर। प्रभु जी अपना शुभ नाम? सीताराम दास महात्यागी। सीताराम दास महात्यागी, अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ महाराज जी कुटिया पे? महाराज जी भी रहते हैं, अभी बाहर गए गुरु महाराज। अच्छा, गुरु महाराज भी रहते हैं आपके? अच्छा अच्छा अच्छा। माई भी यहाँ रहती हैं, सेवा करती हैं गुरु जी। तो गुरु जी के दर्शन नहीं होंगे है ना? आज नहीं हो पाएंगे, शाम को आएंगे। अच्छा, शाम को आएंगे। चलिए, हमारा दुर्भाग्य है। आपको कितना समय हो गया यहाँ पर महाराज जी? महाराज जी को हो गया 25 वर्ष। 25 वर्ष? अच्छा, 25 वर्ष। अच्छा अच्छा, 25 वर्ष से। तो पहले कुटिया थी यहाँ की? महाराज जी नहीं, महाराज जी नहीं बनाई ये कुटिया? अच्छा अच्छा, सब उन्हीं के हाथ का है, महाराज जी का। तो यहाँ परिक्रमावासियों की सेवा होती है? अच्छा अच्छा, अन्य क्षेत्र चलता है, परिक्रमा वाला। अच्छा, अन्य क्षेत्र चलता है यहाँ पर? अरे वाह, तो जमीन रखना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, सभी चीज़, दूध चाय वगैरह सब चलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, लकड़ी काटने के लिए सब कुछ रखना पड़ेगा। पर जी वासी आएंगे तो कोई लकड़ी से बनाएंगे। अभी क्या, नारद नहीं आती जब तक लकड़ी मकड़ी 4-12 महीना के इंतजाम कर लेना। अच्छा 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 जी जी। फिर जो नदियाँ जाती है तो कम से कम 6 महीना नहीं उतरती है, तो 6 महीने तक आना जाना भी बंद रहता होगा। इतना पानी आदमी आता जाता रहता। अच्छा अच्छा, लेकिन वाहन नहीं उतरते, वाहन आ ही नहीं पे सकते। बिल्कुल सही बात, जब 3-4 फुट पानी रहेगा तो ऐसे तो कम से कम 14-15 गांव का घाट है। अच्छा अच्छा, लेकिन पुल उधर मुतल सिर भी जाने लगे कुछ कुछ आते जाके बारिश हो, क्योंकि संगम का महत्व अलग होता। तो महाराज जी परिक्रमावासियों की सेवा होती है, तो कुछ जमीन वगैरह भी लगी होगी आश्रम से? सब क्षेत्र वाले चलाते हैं। जमीन ये 3 एकड़ खरीदी है। 3 एकड़ खरीदी है? अच्छा, आश्रम के नाम से? आश्रम के नाम। अच्छा, क्षेत्र वाले चलाते हैं सब। अच्छा, क्षेत्रवासियों का सहयोग रहता है। हाँ, नर्मदा खंड में खैर बहुत बहुत त्यागी लोग हैं, हर गांव के लोग। जी जी, जिससे जो सब श्रद्धा है, बोरा आधे बोरा। अच्छा अच्छा, बोरी भर आधी बोरी। जी, तो परिक्रमावासियों को पका हुआ भोजन देते हैं या सदा व्रत? पका हुआ बना के देते हैं। तो माई आप भी सेवा करती हैं परिक्रमावासियों की? अच्छा अच्छा अच्छा, बना था बाल भोग वगैरह।
भोजन बनाने में भी सहयोग करती हैं। और भी एक धन्य मैया, धन्य मैया जो आप सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको कितना समय हो गया माई यहाँ पर? बुला लिए थे गुरु जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यानी आवश्यकता पड़ने पे आपको बुला लिया जाता तो आप आश्रम की सेवा कर लेती हैं। बहुत धन्य। तो परिवार में बच्चे वगैरह भी होंगे? सब हैं। अरे चलो बहुत अच्छी बात है, ग्रस्त में रह करके भी आप जो है सन्यासियों की सेवा कर लेती हैं, परिक्रमाशियों की सेवा कर लेती हैं, माई की इतनी अच्छी सेवा हो जाती है। वाह, चलिए प्रभु जी बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल जंगल में एकांतवासा झगड़ा न झांसा, बहुत सुंदर। सबसे अच्छा तो ये लगा माई के दर्शन बिल्कुल किनारे से होते, देखो सामने बैठ जाओ कैसे भी हो, बिल्कुल सामने माई के दर्शन होते रहते हैं। अच्छा आप धोनी तत्ते हैं? चौरासी नवरात्रि व्रत चल रहा था। जी जी, फलाहार नहीं करते हैं। अच्छा, तो व्रत में क्या लेते हैं? ऐसे शाम को थोड़ा बहुत कुछ। अच्छा 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 अच्छा, शलपार। कल वो फलाहारी सब्जी बनी थी मुनगा की। अच्छा, तो मैं कटोरा मुनगा की सब्जी खा रहा। हाँ, तो क्या आठवां दिन था कल। हाँ हाँ, वैसे कोठा गर्म था फल और मुनगा पड़ गया। तो अरे प्रभु, जैसे धोनी तत्ते हैं तो ये पास आसपास ये धुनी लगा तो गर्मी का एहसास नहीं होता है? उसी के लिए तपना पड़ता है, उन्हें ठंड में नहीं तपते। अच्छा, तो उसका नाम ही तप है। अच्छा प्रभु, एक छोटा सा प्रश्न करेंगे आपसे, ये मेरा प्रश्न है, आप उत्तर देना चाहे दें, अन्यथा ना भी दे सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब ऐसी मन में आ गया कि जैसे शरीर में भी जो आत्मा रूपी भगवान रहते हैं तो ये भगवान का घर माना जाता है शरीर, तो इस शरीर को इतना कष्ट क्यों दिया जाता है कि गर्मी में तपाया जाता है? उसको कष्ट नहीं दिया जाता जी, उसको तपा के कुंदन किया जाता है। अच्छा जी, अगर अच्छे अच्छे गहने बनाना है जी तो उसको तपाना पड़ेगा। तपाना पड़ेगा जी, नहीं तपाएंगे तो जितना अच्छा बनाने चाहते हो तो अच्छा नहीं बनेगा, वो जहां से मोड़ रहा है वहां से थोड़ी मुड़ेगा। ये बात है प्रभु, देखिए कितना सुंदर आंसर मिला। और यही तो है कि ऋषि मुनियों के अंदर बहुत कुछ होता है, इनसे निकालना बहुत मुश्किल होता है, कैसे कैसे निकाला जाए। दूसरी बात ये है कि धूनी जी एक सनातन जी, हमने सनातन से देखते हुए आए हैं जी, कभी विष्णु संत महात्यागी धूनी तपता जी। अगर इस प्रथा को नहीं निभाते हैं तो अपन जो कहते हैं बार बार सनातन धर्म की जय हो, लेकिन हो नहीं पाएगी। हो नहीं, जब हम पकड़ ही नहीं पाएंगे उसको तो होगी कैसे। सही बात, खाली अपन कह देते हैं तो नहीं होगा, उसको कुछ ना कुछ तो अपन को करना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए जैसे मान लो अपन देख रहे हैं कि ये 50 साल में शिष्टाचार खत्म हो गया, ये बहुत चिंतन का विषय है जी, है ना जी। क्यों हो गया जी? इस पे आपने ध्यान नहीं दिया इसलिए होगा जी। आप शिक्षक हो, विद्यार्थी हो, मान लो शिक्षा के विषय बनाते हो आप जी, लेकिन आपने शिक्षा के विषय से मान लो शिष्टाचार को निकाल दिया है जी। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप पुरानी पुस्तकों को नई पुस्तकों से मिला के देख लीजिए जी जी। आज से 25-30 साल पुरानी पुस्तकों से मिला लीजिए आप जी, आपको पता लग जाएगा कि सही में हमारी गलती है जो शिष्टाचार को हमने ठुकराया है जी प्रभु। अब उसका रीजन हमें नहीं मालूम कि आपने क्यों ठुकराया है उसको, तो हम सोचते हैं कि चलो दुनिया बदल रही, लेकिन साधु को नहीं बदलना चाहिए। लोग कहते हैं अरे वो उससे क्या होता तपने से, लेकिन हमें मालूम है कुछ ना कुछ होता है, कुछ तो होता है। जब हमारे होता तो सनातन तो रह जाता है, नहीं हमारे ऋषि मुनियों ने अगर परंपरा डाली तो कुछ तो होता होगा। हर चीज का एक महत्व है जी। ये 18 साल का तप है और इसमें स्टेट है जी, पंचधुनी शुरू होती है वो खप्पर कोट को खत्म होती है, इसमें द्वादश आती है, सप्त आती है, चौरासी आती है जी, कोट आती है जी। तो इससे मन भी अपने वशीकरण हो जाता है
जी, मानो उसको जैसा बनाना वैसा बन जाएगा वो। अच्छा, उसको मोड़ देने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, नहीं होगी, किधर से किधर मोड़ना है जी जी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वो नरम पड़ जाएगा तब तक जी। और दूसरी बात है, सनातन चलता रहे, भाई अपन नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी में मालूम ही नहीं रहेगा जी बिल्कुल ऐसा कुछ भी होता है जी। जैसे हम छोटे में बाजार जाते थे तो मोहल्ले में सबसे पूछते थे किसी कोई सामान चाहिए तो बताओ, हम तो जा ही रहे हैं, वो पक्का जो सामान लाएंगे उस पर लिखा ही रहेगा बिल्कुल आया है जी जी, नहीं तो साथ में बिल ला देंगे आप। इसलिए नहीं करते थे जेकर मतलब उनका विश्वास जीतना है, मानवता जी कह रही है, सनातन जी कह रहा है जी, इसलिए शिष्टाचार जी कह रहा है जी कि आप तो जा ही रहे हो, आपका दिन खराब हो रहा है, हाँ। अगर किसी के काम आ सको तो अच्छी बात है जी जी। लेकिन इसको नई पीढ़ी ने क्या समझा, अरे फोकट है जी, सामने वाले की सेवा करो, चिड़ियों का कलरव हो रहा है देखो कितना, चिड़िया कितनी चहचहा रही हैं, वो अपना अपन को क्रेडिट भी नहीं देते, हाँ। मन में जे रखते कर इसको लोभ होगा कब, जब तो ले गया बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ठीक है वो जो सोच रहा है उसको सोचने देते जी, अपना कर्म तो हो रहा था नहीं, अब उसके सोच के पीछे अपन ने अपना कर्म बिगाड़ लिया, वो चला ही गया जी, शिष्टाचार खत्म हो गया। जब शिष्टाचार खत्म होता है तो पलटी भ्रष्टाचार रहता है, भ्रष्टाचार जी, दो पैगुल्य होते हैं ना हर चीज़ जी जी जी, पलटेंगे तो कुछ ना कुछ तो उधर भी होगा बिल्कुल बिल्कुल होगा प्रभु जी। अब लोग कहते हैं भ्रष्टाचार हम खत्म करेंगे, जब तक शिष्टाचार नहीं लाएंगे भ्रष्टाचार कहाँ जाएगा जी, खाली ये भ्रष्टाचार नहीं है कि मैंने तुमसे झूठ बोल कर ले लिया या झूठ ये कर ली, ये भ्रष्टाचार नहीं है जी, अपनी दिनचर्या में शिष्टाचार आना चाहिए जी, तो फिर भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होगा, काय काय पे कंट्रोल करोगे तुम जी बिल्कुल, मन को तो नहीं कर सकते, अपने पे कर लोगे दूसरे के कैसे करोगे बिल्कुल। तो प्रभु आपने परिक्रमा की है नर्मदा जी की? अच्छा अच्छा, एक परिक्रमा लगाई, जगह लगाई, अच्छा अच्छा, तो परिक्रमा का कुछ अनुभव, परिक्रमा का ये अनुभव है कि परिक्रमा करी थी सिर्फ एक ही व्यक्ति ने जी, जिनका नाम है मार्कंडेय जी जी, वो तो शायद अभी भी परिक्रमा में है, हाँ। बताते हैं, ऐसा बताते हैं कि अभी हाँ, भी परिक्रमा तो माता की गोद में ही है, परिक्रमा की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, बाकी उसके अलावा अभी तक किसी ने परिक्रमा नहीं की है, हम सब अपन सब करते हैं जी परिक्रम, परिक्रम नर्मदा जी का परिक्रम, परिक्रम का अर्थ प्रभु, परिक्रम का अर्थ है जो अपन मन में लेकर करेंगे परिक्रम, तो उससे परिश्रम हो जाएगा जी, परिक्रम का मतलब परिश्रम है, परिश्रम, और परिक्रमा का मतलब पूर्ण अमर, जिसने मन से परिक्रमा कर ली तो प्रभु नहीं, वो मार्कंडेय जी ने कैसी की थी, उनने मन से की थी, अच्छा अच्छा, उन्होंने मन से परिक्रमा की थी, तो अभी भी लोग जो करते हैं परिक्रमा तो कुछ ना कुछ अनुभव होते हैं कि माई दर्शन देती है, माई रास्ता बताती है, माई मदद करती तो है, माई खाना भी खिलाती है जी, आप परिक्रम कर रहे हो जी, आप परिश्रम कर रहे हो, आपका परिक्रम होगा, जो मन में सोचोगे वो होगा जी, भाई परिक्रम ही कर रहे हो तो आपके जिंदगी में परिश्रम तो आएगा ही, आपके साथ कुछ ऐसी घटना हुई हो, हमारे साथ तो एक बंगाली बाबा था, जगह जगह ऐसा हुआ है जी कि जब भी सोचा जब हमने उनका मुंह बंद किया है, अच्छा, उन्होंने कहा हम बंगाल से आए सुन के कि नर्मदा जी दर्शन देती है, तो हमने कहा रोज देती है, सिर्फ आप देख नहीं पाते, अच्छा, तो कहने लगे एहसास कराओ, तो मैंने कहा आज ही करा देंगे जी, तो हम गुजरात से पहले अपने मध्य प्रदेश में जी दहीबाड़ा पड़ता है, दहीबाड़ा से थोड़े आगे निकलते हैं तो एक वृंदावन के राधे राधे महात्मा की कुटी है जी, उस कुटी पे पहुंचे जी, वो कुटी चारों तरफ से अपने स्थान की तरह था, इधर भी नाला इधर भी नाला, ऐसी नर्मदा जी बह रही है, अच्छा, बीच अच्छा, में मंदिर था जी, गांव से इतनी दूर था जी, हम वहां पे पहुंचे जाके देखा, अरे बाबा प्रसादी बनाएंगे, बर्तन तो तुम्हारे सब ऐसे ही हो रहे, छींटा छाटी उठते हैं, न कहा गुरु भाई अकेला हूँ, मांझ धो के रखता हूँ, आदमी नल चलाते तो सट जाता, हमने पूरे बर्तन फिर से सिद्ध किए,
भंडार चेतन किया तो सन्यासी महात्मा बंगाली बोला जी कि त्यागी जी क्या आज नर्मदा जी आ जाएगी खाने के लिए, आज बहुत सफाई चल रही है जी। तो हमने फिर भी वही कहा तो माई रोज आती तुम देख नहीं पाते, आज भी आ पाओगे। प्रसादी बना के तैयार हुए और एक महाराष्ट्र माई आई जी, उसके शरीर से बिल्कुल मीन की तरह खुशबू आ रही। अच्छा, है ना, जैसे मीन बसाती है। अच्छा, इस तरह की मछली की मर्रांदी बदबू दूर से ही आने लगी। अरे, तो जे लोग तो घिन कर गए, अरे जे कौन आ गई महाराष्ट्र, और हम समझ गए कि नर्मदा जी आ गई। अच्छा, और कौन बसा सकता है ऐसा, है ना। तो हमें चंदन की तरह खुशबू आने लगी। अच्छा, अच्छा, आपने समझ जैसे, गया मतलब जैसे ही ध्यान किया कि माँ आ गई, माँ आई और इतनी अच्छी खुशबू किससे आ सकती है। अब इनको बुरा बस आ रहा है, हमें उसमें भी अच्छा ही दिखी। अच्छा, प्रसादी लगाई, सबसे पहले एक थाली धोई, इनको थाली लगाई, सबसे पहले माई को दे के आए। माई ने प्रसादी पाई, हमने सबको भोजन करवा, उसके बाद माई बोली के लगे पानी, बोला नहीं कुछ, ऐसे ही जो इशारा किया। तो हमारे पास एक कमन डाल था 2.5 लीटर का जी, वो भर के हम नल पे से जान के पिलाने लगे। तो माई ने पूरा पानी पी गई। अच्छा, फिर हमने कही माई लेके आए, और चलते चलते हमारे मुंह से जी निकल गई कि तू तो खुद ही नर्मदा, तेरा पेट कौन भरेगा पानी से। अरे, है ना, इतना हमारे मुंह से निकल गया। नल तक आ, पलट के देखा, हमको कोई नहीं देखा, गायब। फिर वो भी नल पे हाथ धो रहे थे सब। अच्छा, कुल्ला कर रहे। हमने कहा कि अब भी माई थी कहाँ है। तो पहले तो उनने कहा बंगा महाराष्ट्र, अरे मैं उनकी नर्मदा जी थी, वो महाराष्ट्र नहीं थी। अच्छा, तो उनने देखा, हाँ यार अभी बाहर आए थे जब तो तुम पानी पिला रहे थे। हाँ। तो इतने जल्दी कहाँ जा सकती, जगह जगह बैटरी लाके जान आले बना ले जा, वहां सब दूर तक देखने लगे। जब नर्मदा जी में जान को पड़ा के ऐसा पानी फट रहा है। अच्छा, अपने आप घर 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 करके कोई चीज जा रही। अरे, हमने कहा वो जा रही, देखो माई बंगर पे बैठ के। ओ, अब फिर बंगाली बाबा ने रोना चालू किया, उन्हें एहसास भर रोया, एहसास हो गया कि माई के दर्शन। तुमने कहा कि आज ही आएगी जी, उसके बाद हमको बाद में एहसास हुआ, हम तो कुछ नहीं कर पाए, न दर्शन सही से कर पाए, न कोई आदर कर पाए। तो माई जगह जगह ऐसे प्रत्यक्ष दिखाती है। आपने तो साक्षात दर्शन किए माई के। अभी धुनी तपना, हम उसी के चक्कर में बैठे, एक कोई आए। चलिए प्रभु जी, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा, माई के बारे में भी सुन करके तो मन प्रसन्न हो गया। माई जगह जगह प्रत्यक्ष दिखाती जी जी जी। चलिए, जहाँ जो चीज नहीं मिलती वहाँ वो भी दिलवा देती है। सूल पानी लक्कल कोट की झाड़ी में हमने शुद्ध घी की जलेबी खाई। अरे, सिर्फ वही बंगाली बाबा के पीछे। अरे वाह, उसने कहा मैं जब से बंगाल से आया हूँ तो बंगाली है, मिठाई बहुत खाते हैं, और जब से आया हूँ परकम्मा में कभी जलेबी मिली ही नहीं है, मेरी फेवरेट है जलेबी। तो उनकी मिल जाएगी, गांव आने दो। अरे के खाने का तो आज ही मन है। अच्छा, बोलो तुम्हारी नर्मदा माई से आज बंगाली बाबा को जलेबी खिला दे, तुम्हारी सम्मान थी। हमने कहा देखो कोई मानता है तो उसको बार बार परेशान नहीं करना चाहिए, अपने कर्मचारी थोड़ी है वो। बिल्कुल। अरे गुरु भाई, एक बार ही तो कह रहा हूँ, बार बार अपन कब कहते हैं, भूखे भी सो जाते तो नहीं कहते। ऐसे बात करते करते चले, हमें मंदिर आया, वहीं पे स्कूल था मंदिर के पास, गाँव थोड़ा बगल में था। पहुंचे, पुजारी पूजा कर रहा था कि महाराज जी मेरे लड़की की शादी है, तो आप प्रसादी पाएंगे, ब्राह्मण हूँ मैं। तो उनकी ब्राह्मण, क्या तुम्हारे लहसुन प्याज का बनता होगा? कि नहीं महाराज जी, कुछ लहसुन प्याज का नहीं बनता, हम ब्राह्मण हैं। हाँ, उनकी ब्राह्मण भी खाते आजकल, भाई तू नहीं खाता तो शादी वाले है। कहने लगे डला तो नहीं मन, तुमने मन तुम्हारा खराब हो गया, तुम दाल नहीं खाना, कि चलो तुम जो खाओगे वो खिलवाऊंगा, अलग से बनवाऊंगा। उनकी हम गाँव में नहीं जाते, फिर पहुंचाना तो मंदिर पे मीठा पहुंचा दे कुछ भी। अच्छा, अच्छा। उसने कुछ नहीं बताया क्या है क्या नहीं, उनकी पूरी सब्जी तो पहुंचाना नहीं, दाल टिक्कड़ बना रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत मीठा पहुंचा दे।
हुआ। अच्छा अच्छा, ये कहा आपने? वो चला गया घर जाने के बाद, उसने एक अच्छी बाल्टी फुल भरी थी शुद्ध घी की जलेबी। अरे नहीं, लान के भोग लगा के और ऐसे बाल्टी ढक के रख गए। महाराज जी मीठा रखा, जब भी आप प्रसादी पाओगे मीठा ले लेना, ले लेना। हमारे दाल टिक्कड़ बनने के बाद जब पंगत की भाई, तो मैंने कहा भैया वो मुठी मुठी प्रसाद भी चला लो, अपन को नहीं मालूम था उसमें क्या है। तो बंगाली बाबा फिर भी क्या कह रहा, अरे त्यागी जी तुम ही खोलो बाल्टी, हो सकता जलेबी बन जाए। अच्छा। उसके मन में जलेबी का था नहीं, तो हमने कहा अच्छा तेरे मन में जलेबी, तो अब जलेबी बन जा। इस करके जो कपड़ा हटाया तो उसमें शुद्ध घी की खुशबू आई जलेबी। अरे वाह, उसपे से ही परसना चालू किया, पहले तू ही ले पेट भर। अरे वो खड़े होकर नचने लगा। आज माइक में बात करने लगे, सही में हमने सुना था, हमको विश्वास नहीं था कि नर्मदा जी इतनी प्रत्यक्ष में जो कहो वो मिलता है। मैंने कि हमने प्रत्यक्ष में आदमी का परिक्रम होते देखा है। जी बिल्कुल, कई आदमी जो पहले बहुत दानी थे वो परकम्मा लगा के आए, बिल्कुल फूटी कौड़ी नहीं देते क्या, वो तो हम सब समझ गए भैया कछु नहीं। और जो किसी को दान देने में बिलीव ही नहीं करते थे, परकम्मा लगा के आ, उस दिन से अन्य क्षेत्र लेकर बैठ गए दान करने लगे। भैया वो तो मैया की हमने देखे आ, सब मैया की जय मेहमा है। जी यही मेहमा, बिल्कुल। बहुत से लोगों के तो हुआ ना जी, जो अच्छा था उसके साथ भी हुआ, जो बुरा था उसके साथ भी हुआ, उसका वो करता था, करता था, लेकिन वो मन से नहीं करता, दिखावा करता। माई की परिक्रमा करने से देखा कि यार कैसा किया जाता, कर रहे लोग अपने आप को पीठ नहीं ठप तोड़ते। और मैं तो जरा आने जाने पूछ लेता हूँ भैया आटा दाल चाहिए, तो मैं कहता हूँ अरे मैं बहुत बड़ा अन्य क्षेत्र चलाता हूँ, तुझे एम हो गया था उसका, जब परकम्मा लगाया तो उसका एम टूट गया। टूट गया, काफी लोगों का हृदय परिवर्तन करती है भैया परकम्मा। परिवर्तन तो होता है जी जी। चलिए नर्मदे हर प्रभु, बहुत अच्छा लगा आपसे। नर्मदे हर।